हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ है और मस्त भी है। तो आज एक नया वीडियो जो लेके आया हूँ वो है न्यू केक डिजाइन का वीडियो है। आप लोग भी सीख सकता है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, जैसे कि देखा है मैंने, पहले चॉकलेट मेल्टेड करके लिया हूँ और लेके उसके बाद उसको मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेवन में छोड़ दिया हूँ। उसके बाद जो कि मैंने एक स्क्वायर ट्रे लेके उसी में 2 kg का राउंड शेप केक का राउंड किया हूँ, जो कि आप लोग देख रहे हैं। मैं कुछ डाई मदद से नहीं, साकू से डायरेक्ट हाथ से ही कर दिया हूँ, जो कि आप लोग भी आसान से कर सकता है। वीडियो को देख के आप भी सीख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं उसको 3 लेयर में काट लिया हूँ, और जैसे कि साइड में जो वेस्ट पीस था उसको भी आप लोग वेस्ट मत करना। आप लोग जैसे कि देखा है वीडियो में, मैं उसको भी ट्रिम करके उसको 2-2 पीस करके कट कर लिया हूँ। उसको क्या करूँगा मैं, उसका बीच में लेयरिंग में डालूँगा, वीडियो में आप देखिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो मैंने चॉकलेट छोड़ दिया था माइक्रोवेवन में मेल्ट होने के लिए, उसको मैं निकाल के ऐसा एक रेनबो डिज़ाइन का ये चॉकलेट में मैं बना लिया हूँ, जो कि मेरे को कस्टमर लोग फोटो भेजा था ऐसा ही केक का। तो मैं वैसा ही डिज़ाइन किया हूँ, उसमें लेयर में आपको नहीं दिखाया हूँ लेयरिंग कैसे किया हूँ। तो आप लोग लेयरिंग खुद का इधर से कर लेना, जो कि जो फ्लेवर आप डालना चाहो डाल लेना। तो फिनिशिंग ऐसे ही कर लेना है आपको, जो कि मैं कर रहा हूँ, देख रहा है वाइट क्रीम से मैं इसको फिनिशिंग किया हूँ। ये एकदम आसान सा केक है ये, जो कि आप भी आराम से बना सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको फिनिशिंग कर लेना है। और देखा है मैं जैसे कि नीचे में उसका पर्पल कलर डाला हूँ, जो कि आप पर्पल कलर फूड कलर यूज़ कर लेना, व्हाइट क्रीम में मिक्स करके कॉर्न में बना के बटर ऊपर में डाल के ऐसे उसका साइड में डालो, और डाल के उसके बाद स्पीड कट कम इससे फिनिशिंग कर दिया हूँ। उसके बाद मैंने जो डाला है ब्लू कलर, देखा है जैसे ही मैं पर्पल कलर को जैसे किया था पर्पल कलर क्रीम को, वैसे ही ब्लू कलर का भी मैं ऐसे ही फिनिशिंग कर लूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपको सेम टू सेम करना है। और वीडियो को अभी तक देख रहा है तो पूरा वीडियो पूरा देख के जाना गाइस, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखने से ही पूरा कैसे मैं क्या किया हूँ और कैसे बनाया हूँ ये डिज़ाइन जो कि है, आप भी बना सकता है और आप भी समझ सकता है अच्छे से। उसके बाद मैंने जो डाला येलो कलर, आपको सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करके जाना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और जो नया चैनल में है, जो नया देख रहा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे भी आपको नया नया वीडियो जो कि मिलता रहेगा डेली। और तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने डाला ऑरेंज कलर, जो कि सेम टू सेम इतना ही डाल के स्पीड कट से उसको फिनिशिंग कर लिया हूँ। और उसके बाद आपको डालना है रेड कलर फ्रेंड्स, जैसे कि देखा है आपको किसमें टमाटो रेड डालने से भी आ जाएगा, टमाटो रेड डालने से आपको पूरा रेड कलर आ जाएगा क्रीम में भी, अब थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा बस। और रेड कलर, प्योर रेड कलर आने के लिए भी वो भी फूड कलर का मिलता है, आपको जिधर केक का आइटम मिलता है उधर मिल जाएगा। तो गाइस, देखा मैं सेम टू सेम सब कलर डाल के कैसे डाल दिया हूँ, फिनिशिंग कर कैसे स्पीड कट से किया हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है और आपको भी केक ऐसा ही सेम टू सेम बन जाएगा। तो उसके बाद मैं जो व्हाइट ऊपर में व्हाइट क्रीम का बॉर्डर लगाया हूँ, जो कि आप लोग देख ही रहा है, सेम आपको भी ऐसा करना है। और जो मैं गार्निशिंग बना के रखा था व्हाइट चॉकलेट में जो बनाया था, उसको मैं ऐसे डाल दिया हूँ। और आपको भी, मतलब आप भी ऐसा फोंडन में ही बनाना, ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा आराम से चॉकलेट से बना के भी डाल सकता है, जो कि मैं डाला हूँ, सबसे इजी तरीका है। और फ्रेंड्स, इसका बाद मैंने जो कि उसके में कलरिंग किया था, जो कि पहले ऑरेंज कलर डाला मैं, क्योंकि ये वीडियो जो है मेरा हुआ नहीं था, मैं भूल गया था वीडियो करने के लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और देखा उसके बाद मैंने जो उसको डाल दिया, कुछ नहीं फ्रेंड्स, उसका बाद नीचे से मैं जैसे अभी का डाल रहा हूँ डिज़ाइन, वैसे ही आपको नीचे में ऑरेंज डालना है। उसके बाद 1 लाइन येलो कलर डाला हूँ, उसके बाद 3 लाइन में जो है ग्रीन कलर डाला हूँ, उसके बाद फिर 2 लाइन येलो कलर डाला हूँ, उसके बाद जो कि है फिर ऑरेंज कलर डाल रहा हूँ फ्रेंड्स। देखा आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है जैसे कि मैंने किया हूँ, और नीचे से करना है। वो थोड़ा सा वीडियो में नहीं कर पाया, उसके लिए आपको बोल रही हूँ, आप तो ऐसे सेम देखा है अभी, सेम टू सेम ऐसे करने से आपको ऐसा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा जैसे देख रहा है मेरा केक जो है मस्त से रेडी हो रहा है। तो मैं ऐसा फिर से ऑरेंज कलर डाला हूँ, जो कि 4 लाइन का डाला, बाद में रेड कलर डाला, फुल रेड कलर डाला हूँ, जो कि आपको टोमेटो जो आप नीचे में यूज़ किया था ना, उसी को आप ऊपर में भी यूज़ कर लेना फ्रेंड्स। पर्पल कलर और ब्लू कलर इसमें मैं नहीं डाला हूँ, जो कि फ़ोटो में नहीं था। तो फ्रेंड्स, उसका बाद मैं ऊपर में ऐसा व्हाइट कलर का बॉर्डर लगाया हूँ, जो कि देखा है सेम ही ऐसे व्हाइट कलर का आपको पूरा केक ऊपर में डाल देना है।
तो साइड में मैं उसके बाद जो कि फ्लावर ऐसा स्टैंड लिया हूँ, और फ्लावर नोजल वो तो आपको नॉर्मली मालूम है। अगर आपको फ्लावर बनाना बनाने में दिक्कत आता है तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत सारा ढेर सारा फ्लावर का डिज़ाइन आपको बना के, वो भी क्रीम में बना के चाहिए, अगर फंडन में चाहिए फंडन में भी बना के दिखाऊँगा। आपको जैसे चाहिए मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बना के दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखा मैं अच्छे से फ्लावर जो कि डाल लिया हूँ, उसके बाद जो कि ग्रीन कलर वही वाइट क्रीम में ही फूड जो फूड कलर आता है ग्रीन कलर, उसी को मैंने क्रीम में मिक्स करके उसी को मैंने डाला हूँ। तो डाल के जैसे देखा मतलब फ्लावर का जैसा फूल का पत्ता होता है ना, उसको मैं डाला हूँ उसका सेम में। और उसके बाद जो कि बेबी बॉस फोटो लाया था एक, जो कि प्रिंटेड शुगर पेज का फोटो होता ना नॉर्मली, वही फोटो प्रिंट है। उसका ऊपर में मैं एक नॉर्मली चॉकलेट शीट गार्निशिंग शीट डाला हूँ, डाल के वाइट चॉकलेट से बेबी बॉस का जो है मुँह है, जो कि जितना फोटो में आया हूँ उतना मैं उसको ऐसे ही बना लूँगा। और साइड में ये करके उसको मैं मतलब केक में लगाने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट के लिए उसको मैं बना के रखा, और उसके साइड में मैं मैसेज लिखने के लिए भी गार्निशिंग एक राउंड का अब बना लिया हूँ, जो कि आप लोग भी बना के ले लेना। अगर आप लोग केक में लिखना चाहे तो केक में लिखना, मेरे को ऐसे अच्छा लगा तो मैं ऐसे लिख दिया। तो फ्रेंड्स, आप देखा बेबी बॉस का फ़ोटो में निकाल के उसको मैंने प्योर तरीका से शेप में काट कर लिया हूँ, जो जो व्हाइट था वो निकाल दिया, खाली मैं जो जो फोटो में उसका ये था वो निकाल प्रिंट था वही निकाला हूँ। और निकाल के उसको कैंची का मदद से काट के उसको मैं वही जो गार्निशिंग में उसको व्हाइट चॉकलेट का जो बनाया था उसी में मैं उसको सेट कर दिया हूँ, और जो राउंड बनाया था राउंड वाला उसमें ये मैसेज जो कि राइट कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। तो मैसेज आप हमेशा मैं बोलता हूँ मैसेज अच्छे से लिखना, अगर आपको लिखना आता नहीं तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। आपको ये ट्रफल जो है ट्रफल से आप ऐसे लिख सकता है, उसमें थोड़ा बटर क्रीम ऐड करना और थोड़ा सा ऑयल ऐड करना, आपका ऐसा क्रीम मेहंदी जैसा हो जाएगा और आपसे आप बहुत अच्छे से लिख सकता है। तो गाइस देखा मैंने अच्छे से सेट कर दिया सबको, उसके बाद जो कि है रेडीमेड फ्लावर ये बटरफ्लाई था उसको भी मैंने दो तीन जो कि फ़ोटो में था, दूसरा था थोड़ा पास मेरे पास वो अवेलेबल नहीं, मैं इसको डाल दिया हूँ, आप फोटो में देख सकते हैं वो केक ऐसा था और ये केक ऐसा है। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, बाय बाय।